हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं घटना चक्र में जीएस पॉइंटर में आधुनिक भारत के इतिहास को। और याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा था। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यह है यूरोपीय कंपनियों का आगमन और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया। आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, कुछ बातें आपसे मैं करना चाहूँगा थोड़ी बहुत। जो लोग स्पेशल वीडियो नहीं देखें, प्लीज़ दोस्तों आप एक बार प्लीज़ स्पेशल वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 18 अप्रैल को शादी है हमारी, खुद मेरी ही शादी है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही है। तो अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हेल्प कर लीजिए, क्योंकि 18 के बाद मैं आपसे कुछ कहने वाला नहीं हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल आइए टॉपिक पे आइए, नहीं आपको भी लगेगा कि सर बाहर की बातें बहुत करने लगे हैं। क्योंकि जैसे ही मैं कुछ और कहना चाहता हूँ ना, कभी अपने दिल की बात कहता भी हूँ तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाता है सर कि टू दी पॉइंट बात करो। ठीक है, तो ऑर्डर मानना पड़ता है भाई, छोटे भाई लोग हैं आप लोग तो मानना ही पड़ेगा। देखिए, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। पहला प्रश्न दे रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, क्यों, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि जो मुगल सम्राट था उसकी अधीनता से मुक्ति पा गया बंगाल, यानी बंगाल ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। ठीक है, तो अंतिम जो गवर्नर था वो याद रखिएगा था मुर्शीद कुली खां। कौन था, जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था वो अंतिम गवर्नर कौन था बंगाल का, मुर्शीद कुली खां, इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा। अगला है वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, उस युद्ध का क्या नाम था, तो आपको याद होगा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1757 में। एक्चुअली में था क्या, उस समय बंगाल में एक घटना हुई थी जिसका नाम है दोस्तों काल कोठरी घटना। सुना है आप लोगों ने काल कोठरी घटना। उस काल कोठरी घटना में हुआ क्या था कि बंगाल का जो नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, उसने क्या किया कि कुछ अंग्रेजों को, कोठरी होगा ना, हाँ, कुछ अंग्रेजों को उठा के बंद कर दिया इस काल कोठरी में। इस काल कोठरी में इतनी कम जगह थी कि उसमें व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, झुककर रहना पड़ता था, और इतने सारे लोगों को भर दिया कि उसमें 72 घंटे के अंदर ही, या कुछ टाइम पीरियड था उसका, उतने समय के अंदर ही लोगों की मृत्यु होगी। उसमें से एक व्यक्ति था, इसका नाम था हालवेल। क्या नाम था, हालवेल। हालवेल भाग गया यहाँ से, हालवेल भागा और जाके सूचना दिया किसको, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका नाम था, लॉर्ड वर्ड नहीं लगा था, लॉर्ड तो बाद में जोड़ा गया, फिलहाल जो भी हो इसको नाम आप याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव से जाके बताया उसने कि बंगाल के नवाब ने ऐसा किया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उसमें बिजी था दक्षिण भारत में युद्ध को लेकर के, तो जब वहाँ से खाली होता है तो उसके बाद वह उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान करता, मतलब पश्चिम बंगाल आता है। जिस समय वो पश्चिम बंगाल आता है उस समय उसकी सेना मात्र 300 लोगों की थी, और सिराजुद्दौला के पास सेना लगभग थी दोस्तों 20,000 की सेना। और पता है क्या हुआ, 300 लोगों ने 20,000 लोगों को हरा दिया, 300 लोगों ने 20,000 लोगों को हरा दिया। संभव है, आपको लग रहा है, बिल्कुल हुआ। एक्चुअली में इसके पीछे सच्चाई में जाओगे तो संभव नहीं है, 300 लोग कभी भी 20,000 लोगों को नहीं हरा सकते हैं। डिवाइड कर लो, एक एक लोगों को इतने लोग पटक के मारेंगे कि उनका दिमाग सही हो जाएगा, चाहे उनके पास कितना भी बड़ा बंदूक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखो यहाँ पे हुआ क्या कि सिराजुद्दौला के साथ गेम किया किसने, क्लाइव ने, सिराजुद्दौला के साथ गेम किया गया, और उसका जो सेनापति था उसको अपने तरफ मिला लिया, मीर जाफर उसको अपने तरफ मिला लिया, और उसकी पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो बड़ा सिंपल तरीके से युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा इसी युद्ध का नाम रखा गया प्लासी का युद्ध, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जैसे ही बंगाल में हार हुआ सिराजुद्दौला का, अंग्रेजों का प्रभुत्व वहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, 1757 में। ठीक है, इसके बाद सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, तो वही प्लासी के युद्ध में। ठीक है, और अपनी वजह से नहीं परास्त हुआ था, ये परास्त मत कहो, उसके साथ धोखा हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शुरुआत यहीं से होती है, प्लासी के युद्ध से ही शुरुआत होती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क याद है कौन है, पुर्तगाली गवर्नर था जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पहला था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, याद आया ना, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और ये रॉबर्ट क्लाइव को तो आप जानते हैं, और फ्रांसिस डुप्ले, फ्रांसिस डुप्ले फ्रांस का रहने वाला था, सबसे बड़ा था, ये मैंने बताया था राजनीतिज्ञ था, सबसे बड़ा स्ट्रेटजी वाला यही व्यक्ति था डुप्ले।
जब तक ये था तब तक सब कुछ सेट करके रखा था और सब कुछ जीता उसने। इसके जाने के बाद से फ्रांसिसो की हार होनी शुरू हो गई। लॉर्ड कार्नवालिस, ये तो काफ़ी बाद में आएंगे, अस्थाई बंदोबस्ती के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कार्नवालिस, ये बाद में आएंगे। में से किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? इसी को, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को कब्जे में लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेज़ों के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि। क्योंकि आपको पता होगा कि चुनसुरा में डचों ने बना रखी थी, हुगली में जो है पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बना रखा था, अंग्रेज़ों ने भी वहाँ अपना अड्डा बना रखा था। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को जीत करके उसको अपने नियंत्रण में लाना एक बहुत बड़ी विजय थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध किस मैदान में अवस्थित है, कहाँ के मैदान में? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, प्लासी के युद्ध लड़ा गया 1757 में, 23 जून पीरियड है, टाइम पीरियड शायद 23 जून, देख लीजिएगा आप एक लो। इसके बाद है बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया, वो कौन था? मीर कासिम। थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा बात सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले सिराजुद्दौला था, ठीक है, जिसके साथ धोखा हुआ। किसने धोखा किया था? उसके अपने सेनापति ने। उसके सेनापति का नाम था दोस्तों मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। अच्छा, इंग्लिश में पहले जे आता है कि पहले के आता है? पहले जे आता है, इसलिए याद रखोगा कि मीर जाफर। ठीक है, इसका सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर ने जब हेल्प किया तो इसके बदले में अंग्रेजों ने मीर जाफर को राजा बना दिया। क्या समझ रहे हैं? अंग्रेजों ने मीर जाफर को राजा बना दिया, लेकिन यह एक अयोग्य राजा सिद्ध हुआ। इसके बाद राजा जो बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा ही, राजा मीर जाफर को हटा भी दिया गया, क्योंकि इसके द्वारा बनाया गया था तो उसके द्वारा हटा भी दिया गया, और राजा बना दिया गया मीर कासिम को। क्या बना दिया गया? मीर कासिम को। मीर कासिम बहुत ही योग्य व्यक्ति था और उसको राजा अंग्रेज़ों ने ज़रूर बनाया था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के तरीके से काम करना नहीं चाहता था। ठीक है, इस वजह से अंग्रेज़ों ने बाद में मीर कासिम को उतार करके फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया, क्योंकि उनको एक कठपुतली राजा की ज़रूरत थी। शुरू में उनको लगा कि व्यक्ति अयोग्य है, फालतू है, किसी और को बैठा देंगे तो थोड़ा सा वो ढंग से शासन करेगा, तो उसने जाफर को हटा के कासिम को बनाया, लेकिन देखा कि कासिम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से शासन करने लगा, तो ऐसी कंडीशन में कासिम को फिर से हटा करके जाफर को फिर से लाया गया। बात को समझ रहे हैं ना, पलटी मारा है गेम ने। तो जिस समय कासिम राजा था उसी समय उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की थी, और जब इसको हटाया गया राजा के पद से और जाफर को बनाया गया तो कासिम ही गया था किसके पास? बंगाल का नवाब था ये, हटा दिया गया इसको कुर्सी से, तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ये चला गया अवध के नवाब के पास। इसके अलावा जो मुगल सम्राट था उसके पास, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के पास। ठीक है, और तीनों लोगों ने मिलकर के बक्सर का युद्ध प्लान किया। कौन सा युद्ध प्लान किया? बक्सर के, बक्सर में युद्ध हुआ दोस्तों 1764 में, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे आएगा देखते हैं। तो याद रहेगा आपको ना कि मीर कासिम ने ही ट्रांसफ़र किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों के काम में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था और अपने काम को क्लियरिटी के साथ करना चाहता था। ठीक है, इस वजह से उसने ये सारा काम किया। सबसे जब हम लोग कवर करेंगे दोस्तों ना आधुनिक इतिहास, बहुत सारी बातें करेंगे, और आधुनिक इतिहास में मैं प्लान कर रहा हूँ कि आधुनिक इतिहास में आपको फ्रंट पे लाइव पढ़ाऊँ। ठीक है, लाइव पढ़ाऊँगा, कोशिश मेरी यही है कि मैं आपसे लाइव बातें करूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में बातें करनी है ना, पूरी कहानी खाली बैठा देना है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत के अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, हुआ क्या मैं बताता हूँ। मीर कासिम को हटा करके वापस जब जाफर को राजा बनाया तो मीर कासिम को गुस्सा आया। मीर कासिम अपने सहयोगियों को लेकर के निकल पड़ा कहाँ पर? अवध। अवध का नवाब उस समय था दोस्तों शुजाउद्दौला, उसको ले लिया अपने साथ, मिला लिया, फिर आगे बढ़ा और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उसको भी, शाह आलम द्वितीय को भी क्या किया? अपने अंडर में, मतलब कि मना लिया, उनको भी दोस्ती यारी कर लिया, और इन तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम पड़ा बक्सर का युद्ध, क्योंकि यह युद्ध जो है बक्सर में लड़ा गया था। बक्सर जो क्षेत्र है ये बिहार के अंदर में पड़ता है, और जो लड़ाई हुआ था ये दोस्तों 1764 में हुआ था। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? वही रॉबर्ट क्लाइव, नहीं वो चला गया था रॉबर्ट क्लाइव। अब आ चुका था हेक्टर मुनरो। कौन सेना नायक था उस समय? हेक्टर मुनरो। नाम याद रहेगा, हेक्टर नाम पूछता है, ओहो नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। लेकिन हुआ क्या गलती से दोस्तों, कि अंग्रेजी फौजों ने मिलकर के इन तीनों को जो है हरा दिया। और जब इन तीनों को हरा दिया तो प्लासी की युद्ध ने तो डिसाइड कर ही दिया था कि पश्चिम बंगाल में उनका क्या है,
दबदबा है, उनका नियंत्रण, उनका प्रभुत्व तो स्थापित कर ही दिया था। और बक्सर की युद्ध में अवध के राजा भी हार गए और दिल्ली का सुल्तान भी हार गया। तो अब क्या हो गया, अब जो है उसका क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया पहले की अपेक्षा। अरे भाई, हारने के बाद अवध का हिस्सा भी तो भारत में मिल सकता है, मिल सकता क्या? अंग्रेजों को मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मिल गया। अब तो अंग्रेजों के पास संभालने भर की बुद्धि नहीं रही कि यार हम क्या करें, मतलब इतना बड़ा जगह हमको मिल गया। अरे बिहार के जो राजा थे, मतलब अवध के बिहार नहीं कहेंगे उसको, अवध जो था प्रांत था, अवध अयोध्या के बोलते थे, अवध प्रांत का राजा हमारे अंडर में आ गया, दिल्ली का सुल्तान हमारे अंडर में आ गया, पश्चिम बंगाल ऑलरेडी हमारे अंडर में था। तो एक बड़ी, बहुत बड़ी जगह जो है उत्तर भारत की, किसके अंडर में चली गई, इन अंग्रेजों के अंडर में चली गई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत निर्णायक युद्ध हुआ, और इसी ने युद्ध ने अंग्रेजों का माइंड डाइवर्ट किया कि अब हम व्यापार नहीं, अब हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। अब हम व्यापार नहीं, अब हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, किस युद्ध ने, 1764 के बक्सर की युद्ध ने डिसाइड कर दिया। बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अरे था, कौन आया था लड़ने, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय वही कासिम को हटा करके जाफर को बनाया गया था। याद रखिएगा, बंगाल का नवाब शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि जाफर कठपुतली राजा था ना, कासिम को हटा के जाफर के तो बनाया गया, तो आएगा कहाँ लड़ने वो। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिए, सैन्य सफलता बक्सर का युद्ध माना जाता है, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था, सच में वो युद्ध तो था ही नहीं, वो युद्ध तो था ही नहीं। अरे भाई, सिराजुद्दौला दौला को धोखे से मारना, वो कहीं युद्ध था? वो युद्ध था ही नहीं, वो तो बस अंग्रेजों ने जीत लिया, वो जीत लिया। ठीक है, लेकिन जो बक्सर के युद्ध हुआ था, वाकई में युद्ध हुआ था, और अंग्रेजी सेना के द्वारा तीन तीन संयुक्त तो सेनाओं को हरा देना, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी किसने? और जब हारने के बाद जब इतना सारा कुछ हो गया, तो शाह आलम द्वितीय को बहुत सारा काम करना पड़ा। ठीक है, बताऊंगा आपको डिटेल से, अभी फिलहाल याद रखिए कि दीवानी प्रदान की थी किसने? शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में, 64 में लड़ाई हो चुकी, 65, एक साल बीत चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त की? वही मुगल सम्राट ने प्राप्त किया दिया, क्योंकि शुरुआत से जो बंगाल था वो मुगल सम्राट के अंडर में था। बाद में उन्होंने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं इसको माना जाता था। तो इनसे दीवानी मिल गया शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को, कि आप वहाँ काम कर सकते हैं खुलकर। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिए के अधिकार दिए गए, वो कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, 1765 में। 1765, अभी आपको लग रहा होगा दोस्तों कि 1764 में हेक्टर मुनरो था, तो 65 में लॉर्ड क्लाइव यहाँ फिर से आ गया। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में 1757 में वो था, 1757 से लेकर 60 तक वह रहा, फिर उसके बाद वह चला गया। ठीक है, 64 में हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा, उसके बाद 65 में फिर से वापस आ गया। कौन? लॉर्ड क्लाइव, यानी जिसको हम लोग रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं, वो फिर से वापस आ गया भारत में, 2-3 साल तक फिर रहा। ठीक है, और यहाँ की व्यवस्था देखा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने को लगा कि अगर अब हमको शासन करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने अपना ध्यान फोकस किया रेगुलेटिंग एक्ट पर, यानी भारत को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे चलाया जाए। और इसके लिए एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो चलिए वो सब आगे आएगा तो हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद दे रहा दोस्तों, यहाँ तक हो गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? मुर्शिदाबाद का उप दीवान, तो याद रखें, मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया, मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, वो कौन सी जनजाति थी? याद रखिए, खासी जनजाति, पूर्वोत्तर भारत की खासी जनजाति से आप लोग वाकिफ़ होंगे। गारो खासी जनता की पहाड़ी जहाँ पर है, वहीं खासी जनजाति है, उनकी भाषा भी खासी है, जनजाति भी खासी है, और ये सारी चीज़ याद रखिए, पर्वत का नाम भी वहाँ एक खासी है, सब उन्हीं के नाम पर है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा, सबसे पहले लड़ा गया था दोस्तों अंबर का युद्ध। कौन सा युद्ध? अंबर का युद्ध। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो
तो ये पूरा का पूरा याद रखिएगा, अंबर, प्लासी, वांडीवास और बक्सर। वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो ये भारतीयों का इसमें कोई रोल नहीं था, ये ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तो बॉय ने फ्रेंड को हराया था, बी एफ, ठीक है, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, बॉय ने फ्रेंड को हराया था, ऐसे करके बना के याद कर लो ताकि आपको याद रहे वांडीवास का युद्ध की बात कर रहा हूँ। सही सुमेलित करना है आपको बक्सर का युद्ध, कौन सा बक्सर का युद्ध, मतलब 1764 वाला बात कर रहे हैं जिसमें संयुक्त सेनाएं लड़ी थी, ठीक है, तो मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मीर कासिम ने ही सबको जुटा के रखा था और इनके विरुद्ध में कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 में, कब हुआ था वांडीवास 1760 में, और बी ने एफ को हराया था, तो ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था, ये तो मैंने बता दिया, यानी फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियाँ वाला का युद्ध कब हुआ, नाम सुना चिलियाँ वाला, चिलियाँ वाला एक जगह है दोस्तों पंजाब में, फिलहाल तो अब पाकिस्तान में, क्योंकि पहले पंजाब जो था वो बहुत बड़ा था और पाकिस्तान के बंटवारा हो जाने के बाद से ये जगह कहाँ पहुँच गया है, पाकिस्तान में पहुँच गया, ठीक है, तो चिलियाँ वाला का युद्ध, और उसी समय ठीक समय में हुआ था आंग्ल सिख का द्वितीय युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 का टाइम पीरियड था, उसी के समय लड़ा गया था, तो याद रखिएगा डलहौजी और सिखों के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम थे और मराठे थे, इनके बीच में लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था 1795, कब लड़ा गया था 1795, ठीक है। भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया, तो सबसे ज़्यादा जो विरोध किया वो मराठाओं ने किया, सबसे अधिक जो विरोध किया किसने किया, मराठा ने, आता है क्वेश्चन कई बार। अब हम लोग पढ़ें दोस्तों क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में, इसको भी आज कवर कर लेते हैं और फिर बचा रह जाएगा गवर्नर जनरल, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग गवर्नर जनरल कवर करेंगे, फिलहाल इसमें हम लोग ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं क्षेत्रीय राज्य, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर करके पंजाब और मैसूर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। राणा रणजीत सिंह, महाराजा बोलते थे इनको, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अंतिम सिख का सबसे महान राजा कौन था, सबसे महान, ठीक है, अंतिम सिख राजा तो राजा दलीप सिंह पता होगा आपको, लेकिन सबसे महान राजा अंतिम कौन थे, तो वो राणा रणजीत सिंह को माना जाता है। राणा नहीं कहेंगे महाराजा, बार बार राणा निकल रहा है, राणा जो टाइटल होती थी ये ज़्यादातर राजस्थान के राजाओं के द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है पंजाब है तो वो महाराजा यूज करते थे, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर तक का क्षेत्र, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, नाम याद रखिएगा सुकर चकिया मिसल, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, लाहौर राजधानी थी, ठीक है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे, शाह शुजा के से, इन्होंने क्या प्राप्त किया था, हीरा, किससे, इंपॉर्टेंट दोस्तों, शाह शुजा से। और उसके बाद ईश्वर की इच्छा शक्ति थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली, यह कथन किसका था, तो महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, एक आंख की रोशनी इनके नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, याद रखिएगा खड़ग सिंह उत्तराधिकारी जरूर थे, लेकिन उनके छोटे पुत्र थे दलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के ही छोटे पुत्र थे दलीप सिंह, जो कि आखिरी सिख राजा के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एक पत्नी थी दोस्तों रणजीत सिंह की, जिनका नाम था जिंद कौर, क्या नाम था, जिंद कौर, उन्हीं के लड़के थे दिलीप सिंह, और जिंद कौर की निगरानी में, संरक्षण में ही क्या होते हैं, दिलीप सिंह जो है राजा बनाए जाते हैं, क्योंकि शुरू में मृत्यु होने के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकारी बनते खड़ग सिंह तो भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं, उसके बाद जब दिलीप सिंह आते हैं तो जिंद कौर की निगरानी में ही, संरक्षण में उनको राजा बनाया जाता है। तो ये इस बात, ये आपत्ति रखते हैं कौन, ब्रिटिश वाले, कि ऐसा नहीं होगा, एक अयोग्य बालक क्या जो है शासन दर्शन चलाएगा। तो फिर युद्ध होता है, वही आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट होता है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये कथन दे रहा है कुछ, सुनिए आप ध्यान से, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी रूस नहीं गए थे, में से कौन सा कथन सही है, उनमें से कौन सा कथन सही है, एक मिनट फिर से पढ़िए, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, कौन पूछ रहा है कौन सा सही है, याद रखिएगा दोस्तों इनका निधन ठीक है पेरिस में हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ये जो है गलत है, उन्होंने कभी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, ये भी गलत है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने उनको
इंग्लैंड भेजा तो 5 लाख रुपए की पेंशन उनकी फिक्स कर दी। यहाँ सिखों का जो राज था उसको अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया गया और इनको भेज दिया गया इंग्लैंड। इनको 5 लाख रुपए इनका पेंशन बांध दिया गया वार्षिक, और कुछ और चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें वो कर दिया गया, और ये चले गए शिफ्ट हो गए कहाँ पे, इंग्लैंड में। वहाँ जाकर इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। बाद में लौट कर जब आए उसी बीच इनकी यात्रा हुई थी, रूस की यात्रा हुई थी, ठीक है। रूस गए थे तो वहाँ एक जार लोग रहते हैं, जार लोगों को समझा बुझा कर चाहा कि कई हमारा जो सिख साम्राज्य था वो वापस मिल जाए, लेकिन उसमें वो असफल थे। उसके बाद वापस आ गए तो उनकी मृत्यु फिर हुई, उसके बाद फिर अंत्येष्टि हुई। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, ठीक है, ये गलत है, नासिक में उनकी अंत्येष्टि थोड़ी होगी, मरे थे कहाँ पर, पेरिस में, बाकी कथन सही है। वापस आए तो वापस उन्होंने सिख धर्म को ज्वाइन भी कर लिया लास्ट टाइम। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद की सदस्य थे, मतलब एक परिषद बनाया गया लास्ट में। और उस परिषद के सदस्य कौन थे, तो याद रखिए सन हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, और 2 लोग और थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल। तो इन सभी लोगों का नाम याद रखिएगा, कई बार जो पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। अब चलो ये तो रही अभी हम लोगों ने सिख प्रांत के बारे में बात किया, अब मैसूर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और हम लोग कवर कर रहे हैं जीएस पॉइंटर सीरीज को, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वहीं पर हम लोग बात करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1766 से 1769 के बीच में, हैदर अली लड़े थे। हैदर अली कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान के पिताजी थे, ठीक है, टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली। और इस युद्ध में उन्होंने जम करके लड़ा और अंग्रेज़ों को हराया, ये अंग्रेज़ों की हार थी, ठीक है, बहुत सर्वनाक हार थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो दोस्तों वो युद्ध जो है अनिर्णायक रहा, क्योंकि उसी में जो है मृत्यु हो गई किसकी, हैदर अली की मृत्यु हो गई, और सेना का कमांडर कौन बना दिया गया, टीपू सुल्तान बनाएगा। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान हरा था और चौथी युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चारों युद्ध याद रखेगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिलहाल अभी आगे हो सकता है न भी आएगा, तो हम लोग जब सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टेनेवा के युद्ध में हराया, ठीक है, वो ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था, तो आयरकूट, सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टेनेवा के युद्ध में हराया। अच्छा, इसका बदला हैदर अली के पुत्र ने लिया, हैदर अली के पुत्र यानी टीपू सुल्तान ने आगे युद्ध हुआ था पोलीलूर में, वहाँ पर जो है अंग्रेजी सेना को हराया था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, जिस तरह से आज दूतावास होता है उस तरह से दूतावास बनाया, तो वो कौन था, टीपू सुल्तान। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पर हराया था, वही पोलीलूर के युद्ध में, ठीक है, पोलीलूर, और पोर्टोनोवा में उसके पिताजी की हार हुई थी, दोनों याद रखिएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किसके साथ, तो टीपू सुल्तान के साथ, राजा वही था ना। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया 1799 में, 1799 में इनका चैप्टर क्लोज। चलो आ तो गया आंग्ल मैसूर युद्ध, चारों दे रहा है, चारों याद रखो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था, द्वितीय वाले में अनिर्णायक था क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान कमांडर बना। तृतीय वाले में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा, कुछ भूभाग, पूरा नहीं, कुछ यहाँ लिखना चाहिए उसको, ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हो गया, मतलब उनको क्या हुआ, शहीद हो गए। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, बेगम समरू ने कहाँ पर निर्माण कराया था दोस्तों, तो ये सरधना में निर्माण कराया था, ठीक है। अब कुछ आगे सही कथन दे रहा है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, बिल्कुल सही है दोस्तों, आधुनिक ढलाई खाने स्थापित। जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई उनसे लड़ने की, उनके जाने के बाद ही सोच पाए पंजाब के बारे में। आमेर में सवाई राजा जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ठीक है, बहुत सही है, और याद रखिएगा सवाई राजा जयसिंह के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। टीपू सुल्तान मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों के तीनों कथन है ये सही है आपस में, ठीक है, सही कथन है। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, अरे वही अंग्रेजों ने ऑफर दिया था, क्लाइव ने ऑफर दिया कि जाफर मैं तुमको राजा बना दूंगा, तुम बस खाली अपनी सेना को घुटने टेकवा देना, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता, कहानी हो जाती खत्म।
तो जो भी हो दोस्तों, अब इसके बाद ये टॉपिक हम लोगों का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। वैसे तो मैं गवर्नर जनरल सूची को पढ़ा चुका हूँ, 4 वीडियो स्पेशल पढ़ा होगा। प्लेस में आप जाओगे तो गवर्नर जनरल सूची के नाम से 4 वीडियो होगा वहाँ पे। वहाँ मैंने फुल डिटेल में गवर्नर जनरल वाली टॉपिक को पढ़ा है, फुल डिटेल में एकदम लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से। तो अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से देख लीजिए, अदरवाइज जीएस पॉइंटर सीरीज में हम लोग बात तो करेंगे ही करेंगे। तो गवर्नर जनरल सूची देखिए कितना लंबा चौड़ा है, यहाँ तक है, उसके बाद ये पूरा पेज है, 2 पेज है, तो यहाँ जाके कहीं ख़त्म होगा, मतलब लगभग 2.5 पेज की कहानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ना मिलने की वजह से वीडियो जो है शेड्यूल से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप हैरान परेशान बिल्कुल मत होइए, जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं तुरंत वीडियो बना के आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे देख सकें। दोस्तों प्लीज़ अगर आप मदद कर सकते हो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आप इतने सारे लोग हो लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें आप हमारे लिए करोगे तो दिल से शुक्रिया यार उसके लिए। हम जिन लोगों ने किया उनका तो मैं पूरा जीवन आभारी रहूँगा, और जिन लोगों ने नहीं किया मैं चाहूँगा दोस्तों बहुत बड़ी रकम कोई आपसे नहीं मांग रहा हूँ कि 2-4-10 हज़ार मांग रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप छोटी मोटी हेल्प कर सकते हैं, जिस लायक भी आप हैं, प्लीज़ वो हेल्प जरूर करिए। क्योंकि ज़िंदगी में पता है जब कोई व्यक्ति आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो जब तक उसके साथ समाज के लोग जुड़े नहीं रहेंगे तब तक उस व्यक्ति का हौसला नहीं बन पाता है। और मेरा भी हौसला कहीं ना कहीं धीरे धीरे नकार रहा है कि लगभग 96,000 लोग हमसे जुड़े हैं, और 96,000 में से कितने लोग हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, तो बहुत सारे लोगों की आदत होगी कि पढ़ा अपने से क्या मतलब यार, फ्री का मिल जा रहा है, पढ़ो आराम से, छोड़ो हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर मैं आपके लिए कुछ सोच रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप भी सोचें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।